दिल्ली और नोएडा के कई स्कूलों में बम की सूचना मिली है। मदर मैरी संस्कृति स्कूल द्वारका डीपीएस में बम होने की सूचना मिली है, तो नोएडा दिल्ली पब्लिक स्कूल में भी बम होने की खबर मिली है। तो 10 ऐसे स्कूल्स जहां पर बम होने की धमकी ईमेल के जरिए दी गई है, ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। फिलहाल स्कूल्स को खाली करवाया गया है और तलाशी अभियान वहां पर जारी है। तो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों में बम होने की सूचना मिली, जिसके बाद हड़कंप मच गया। ईमेल के जरिए ये सूचना दी गई है, बम से उड़ाने की धमकी दी गई और उसके बाद स्कूल्स की तरफ से पेरेंट्स को ईमेल भेजा गया, मैसेज भेजा गया कि जल्द से जल्द अपने बच्चों को स्कूल से घर ले जाएं, जिसके बाद पैनिक माहौल कुछ देर के लिए देखा गया। थी कि भाई कुछ बॉम्ब है कहीं कहीं जगह पे, पर देखिए बच्चे हैं हमारे पास तो हम कोई चांसेस नहीं ले सकते। हमने चेयरमैन से भी बात किया और सारे सीनियर ऑफिसर्स से पुलिस की बात किया, उनका सपोर्ट मांगा और साइमल्टेनियसली हमने बच्चों को ओपन एरिया में निकाला क्लासरूम से और पेरेंट्स को मैसेज किया, बसेस को दोबारा से लाइन अप किया और बच्चों को भेज दिया है। मैम वो मेल कहाँ से आया था, वो जानकारी मिली? नहीं, वो हमें नहीं मिल पा रही, पर हमने फॉरवर्ड कर दिए हैं, पुलिस को भी कर दिया है और सब जगह। एक मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि डीपीएस में कोई धमकी भरा कार्य हो रहा है, उसके विषय में तत्काल सभी ऑफिसर्स मौके पहुंचे, जिसमें हमारी एएसजेड टीम, बीडीडीएस टीम के साथ साथ फायर ब्रिगेड और सीनियर ऑफिसर्स मौके पे हैं। सभी जो बच्चे हैं उनको सकुशल घर भेज दिया गया है, बाकी हम लोग सर्च एक कर चुके हैं, अभी तक वहां पे कोई इसी तरह की अवांछित वस्तु नहीं मिली है। फिर भी हमारी टीमें कंटिन्यू चेक कर रही हैं, हम इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं पर कोई चीज़ ना हो। तो देखिए प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि तलाशी ली जा रही है लगातार। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है और ये संख्या बढ़ी है, जो धमकी भरे ईमेल्स है वो और स्कूलों को भी भेजे गए हैं, ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। फिलहाल हर स्कूल में तलाशी अभियान जारी है, जहां पर ईमेल भेजा गया है वहां पर भी और जहां पर ईमेल भेजे नहीं गए हैं वहां पर भी स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से तलाशी अभियान जारी है। तो ये तीन स्कूल आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां पर सुबह सुबह धमकी भरा ईमेल सामने निकल कर आया और देखिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई इन स्कूल्स में, मदर मैरी स्कूल और दिल्ली का डीपीएस स्कूल, चाणक्यपुरी का संस्कृति स्कूल, इन स्कूल्स में बम से उड़ाने की धमकी भरा मैसेज सामने निकल कर आया, जिसके बाद स्कूल एडमिशन में ईमेल रिसीव हुआ है जिसमें कि बॉम्ब का थ्रेट है। जैसे ही स्कूल अथॉरिटीज़ ने पुलिस को बताया तो इमिजिएटली हमारी टीम्स सक्रिय हो गई हैं, स्कूल्स को खाली कराया जा रहा है, बच्चों को सेफली उनके पेरेंट्स की कस्टडी में दिया जा रहा है और उसके बाद इन बिल्डिंग्स को एक एक करके हम सैनिटाइज कर रहे हैं बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स की मदद से। मैम कितनी कॉलें आई हैं डिस्ट्रिक्ट में? अभी कह पाना मुश्किल है क्योंकि अभी भी इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं जैसे जैसे स्कूल अपने इनबॉक्सेस चेक कर रहे हैं। मेरी पेरेंट्स से यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ पैनिक मत कीजिए, अभी तक हमें जो पता चला है तो इन सारे ईमेल्स का कंटेंट सेम है और हो सकता है शायद कि इनका सोर्स भी सेम हो, तो काइंडली कोऑपरेट विद द स्कूल अथॉरिटीज़ एंड किसी भी तरह की पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट की जाए। तो देखिए दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में हड़कंप इस वक्त देखा जा रहा है बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद, ये अलग अलग स्कूल की तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही हैं और स्कूल्स को जो है खाली कराया जा रहा है। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी देवनाथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवनाथ देखिए तमाम खबरें सामने निकल कर आ रही है, जिस तरह से हमने सुना प्रशासन के अधिकारी का बयान सामने आया, उनकी तरफ से कहा गया कि जैसे जैसे स्कूल जो है कुछ वो अपना ईमेल चेक कर रहे हैं तो और भी संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये कहा जा रहा था पहले ये संख्या 10 है, अब इसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है और संख्या में बढ़ोतरी सामने निकल कर आ रही है। आप कहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त, एक बार फिर से हम समझने की कोशिश करेंगे क्या वहां पर तलाशी अभियान पूरा हो चुका है?
देखिए मैं दो तीन चीजें, थोड़ा वक्त दीजिएगा, मैं बात करूंगा। एक बच्ची मेरे साथ है जो इसी स्कूल में पढ़ती है, और इस स्कूल में जहां पर बच्चे किताबों के साथ आते हैं, जहां पर बच्चे अपने एग्जाम के लिए आए थे, वहां अगर उनको ये सूचना मिलती है कि उनके स्कूल में जहां पर वो पढ़ाई करना चाहते हैं वहां पर बम है, तो उन बच्चों की मनोदशा समझिए। एक बच्ची हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? अम्बेकर दे। ये बताइए कि आपको आपको स्कूल में बताया कि यहाँ पे बम है, कैसे आपको जानकारी मिली? हमें 817 में SMS आया था स्कूल की तरफ से, ये SMS है आया था। तो हम 7:30 जैसे नॉर्मल टाइमिंग स्कूल हम आए थे, आगे फिर स्कूल में पता चलता है कि कुछ इश्यूज है, तो हमें बाहर रोक दिया गया। तो बोला कि बेटा आप चले जाओ, कल से रीजॉइन वगैरह करना। तो जो प्लेग्राउंड है हमारा, वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स थे, बस यूजर्स तो वो थे। तो फिर उन्होंने 5 मिनट के बाद फिर उन्होंने भी डिस्पर्सल कर दिया बस यूजर्स को, क्योंकि स्कूल में वो बॉम्ब्स वगैरह बहुत। तो फिर 8:17 में सबको पता चलता है कि स्कूल में बॉम्ब्स वगैरह है। तो फिर अब सब डरे हुए हैं, मेरे फ्रेंड्स वगैरह बोल रहे हैं कि वो लोग स्कूल से नहीं आएंगे जब तक इशू नहीं वो क्लियर हो जाता। और 10th के एग्ज़ाम भी थे, वो सब कैंसिल कर दिए गए हैं। जब आप स्कूल में थी तो क्या टीचर्स भी थे, पुलिस भी थी, या फिर अभी पुलिस नहीं आई थी? नहीं, जब स्कूल में टीचर्स वगैरह थे तब पुलिस नहीं आई थी, वो पुलिस मीडिया वालों के साथ ही आई थी। मैं देखिए दो तीन चीजें स्वाति में बताऊंगा, मेरे ठीक पीछे देखिए, भले ही स्कूल में बम न हो लेकिन देखिए दिल्ली पुलिस की गाड़ी यहाँ पर है, और इसके बाद मैं ठीक देखूं कि एक एम्बुलेंस भी बुला ली गई है। ये एम्बुलेंस भी यहाँ पर स्कूल के ठीक सामने, मदर मैरी पब्लिक स्कूल के सामने है, ताकि अगर एम्बुलेंस की भी जरूरत हो तो भले ही दिल्ली पुलिस एहतियात करती है। सर आपको स्कूल वालों ने बुलाया? जी सर, कंट्रोल से कॉल मिली है ना, इसलिए हमें दी थी 9:22 पे। आपको यही कहा गया कि यही ठहर? जी सर, जब तक यहाँ पे क्लियर नहीं हो जाता तब तक यही रुकना पड़ेगा ना। यहाँ पर जब तक जो है पुलिस की जांच कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक चलता रहेगा। और आपको ये भी दिखाऊंगा मैं कि यहाँ पर जो दूसरा गेट है स्कूल का, यहाँ पर डू नॉट क्रॉस का एक ये लगा दिया गया है, ताकि यहाँ से कोई अंदर नहीं जा सकता। और दिल्ली पुलिस लगातार अंदर इस स्कूल की जाँच कर रही है। हमारे साथ बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि चूंकि उनको ये अंदाजा नहीं था कि उनके बच्चों के लिए ऐसी खबर आएगी कि जिस स्कूल में वो पढ़ने भेज रहे हैं वहां पर जो है बम की खबर आ जाएगी। और ये वजह, देखिए मैं एक चीज बताऊं कि अभी तक किसी स्कूल से कोई बरामदगी नहीं हुई है, कोई ऐसी चीज नहीं मिली है जिसमें आपत्तिजनक हो, लेकिन दिल्ली पुलिस की तैयारी इस कदर है, दिल्ली पुलिस इस कदर तैयार है और अपनी पूरे फुल प्रूफ इंतजाम के साथ ये तैयारी हो रही है कि कहीं भी कोई सुरक्षा में, जांच में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और ये स्कूल है, मैं आपको बताऊं कि मदर मैरी जो स्कूल है, बच्चों का स्कूल है, यहां पर जो है ये खबर आई थी, और इस खबर के बाद हड़कंप मच गया था। बहुत सारे बच्चे और जो लोग थे उनको छुट्टी कर दी गई थी, अभिभावक खास करके बहुत ज्यादा परेशान थे, जो बातचीत में बता रहे थे कि अब अभी फिलहाल उनमें इतना डर है, इतनी दहशत है कि वो अपने बच्चे को शायद ही स्कूल भेज पाए। एक और बात कि ये पहला स्कूल नहीं है, एक ही पैटर्न पर लगभग एक दर्जन स्कूलों को मेल गया है, और इसका मतलब ये है कि जिस पैटर्न का इस्तेमाल हुआ है उसको दिल्ली पुलिस ने देखिए। और ये कहा जा रहा है कि ये संख्या बढ़ सकती है आने वाले वक्त में, क्योंकि लगातार जो स्कूलों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिन्हें धमकी भरे ईमेल्स आए हैं, जैसे जैसे मेल बॉक्स चेक किया जा रहा है स्कूल की तरफ से, कई स्कूल ऐसे हैं जिन पर अभी इस तरह की मेल की जानकारी सामने निकल कर आ रही है। रमेश, मैं आपके पास आऊंगी, इस वक्त वहां पर स्थिति कैसी है, क्या सिचुएशन अंडर कंट्रोल है? और देखिए, दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी की तरफ से भी बयान सामने निकल कर आया है, उन्होंने कहा है कि अभिभावक पैनिक ना हो, स्थिति अंडर कंट्रोल है। देखिए सबसे बड़ी बात कि ये मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं, ये दिल्ली का सबसे VVIP इलाका है, चाणक्यपुरी, जहां पे तमाम देशों की एम्बेसियां हैं, और वहां पे ये संस्कृत स्कूल है जिसमें दिल्ली के जितने भी VIP हैं, चाहे वो IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, सबके बच्चे पढ़ते हैं। और ये जैसे ही सूचना आई, सुबह 9 बजे के आसपास ये सूचना आई, उसके बाद से ये स्कूल में सबसे पहले जो बम निरोधक दस्ता है वो यहाँ पहुंचा, यहाँ पे सर्चिंग की, यहाँ के जो नई दिल्ली के DCP हैं जिसके अंतर्गत ये स्कूल आता है वो खुद यहाँ पहुंचे और उन्होंने सर्चिंग की, और यहाँ पे कुछ नहीं मिला। सारे बच्चे जा चुके हैं, पेरेंट्स भी सब जा चुके हैं, और सबसे बड़ी बात कि अब पुलिस भी यहाँ जा चुकी है, सिर्फ मीडिया के लोग यहाँ बने हुए हैं,
और ये पूरा जो इलाका है इसको पूरी पुलिस टीम ने सर्चिंग की है। जो पुलिस की पेट्रोलिंग टीम होती है जो लगातार राउंड पे रहती है वो राउंड पे है, वो उसके लगातार राउंड लग रहे हैं, पर यहाँ से कुछ भी नहीं मिला। और जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया कि 12 एक दर्जन से ज्यादा स्कूलों में मेल गए, तो उनका जो साइबर सेल है दिल्ली पुलिस का, उसने जो एड्रेस पता किया तो वो सबके आईपी एड्रेस सेम आ रहे हैं, देश के बाहर से आ रहे हैं। बिल्कुल रमेश, और लगातार साइबर सेल जो है इस पर काम कर रही है। रमेश आप बने रहिए, देवनाथ भी बने रहिए। फिलहाल हम इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दे। दिल्ली एनसीआर में स्कूलों में बम की सूचना का मामला, जहां पर स्कूलों को आया है बम की धमकी भरा ईमेल। ईमेल में लिखा है हमारे दिल में जिहाद की आग है, ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। ईमेल में लिखा हुआ है हमारे दिल में जिहाद की आग है। तो दिल्ली एनसीआर की स्कूल्स में जो ईमेल आया है उसमें लिखा है कि हमारे दिल में जिहाद की आग है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने निकल कर आ रही है। इस ईमेल में ये तमाम बातें लिखी हुई है। तो ऐसे में साइबर जो टीम है वो लगातार आईपी एड्रेस का पता लगाने में जुटी हुई है। ये बड़ी खबर सुबह सुबह जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में स्कूलों में बम धमाके की, बम की होने की सूचना मिली थी, ईमेल के जरिए ये सूचना दी गई थी, ये बड़ी जानकारी ईमेल में लिखा हुआ है कि हमारे दिल में जिहाद की आग है। तो देखिए अब हर एंगल से इस ईमेल के बारे में पता लगाने की कोशिश यहां पर साइबर सेल करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सुबह सुबह से जिस तरह की तस्वीरें अलग अलग स्कूलों से सामने निकल कर आई, लोगों में अभिभावकों में दहशत का माहौल देखा गया। तो स्कूलों में आए हुए ईमेल में लिखा है कि हमारे दिल में जिहाद की आग है, इस एंगल से भी साइबर सेल इस पूरे मेल को खंगालने की कोशिश, इसके बारे में पता लगाने की कोशिश यहां पर करती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देवनाथ मैं आपके पास आऊंगी। देखिए जो ईमेल स्कूल्स को भेजा गया है उसमें लिखा गया है कि हमारे दिल में जिहाद की आग है, क्या समझे इस मेल के जरिए? देखिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण, एक तो स्पेशल सेल इस पूरे मामले की जांच कर रही है, और मैं आपको बताऊं कि एक दर्जन नहीं, जो हमारे दिल्ली पुलिस के सूत्र हैं वो बताते हैं कि लगभग 50 ज्यादा स्कूलों को ये मेल भेजा गया है, 50 से ज्यादा स्कूलों को मेल भेजा गया है। जाहिर सी बात है जो जिहाद की बात कर रहे हैं उस पत्र में ही, और स्कूलों को भेजा जाना इसका मतलब है कि दहशत का माहौल तैयार करना है। कुछ पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये ईमेल भी हम टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं जो सुबह सुबह स्कूल्स में भेजा गया है। ये ईमेल देखिए भारत एक्सप्रेस आप तक ये ईमेल पहुंचा रहा है जिसमें ये तमाम बातें लिखी गई है, और सुबह सुबह दहशत का माहौल फैलाने की कोशिश भारत के राजधानी दिल्ली एनसीआर के तमाम स्कूलों में की गई है। ये ईमेल आपकी टीवी स्क्रीन पर सुबह करीब 4:15 पर कई जगह ईमेल किया गया, कंटेंट जो है ईमेल का एक जगह एक ही जैसा लगा। उसमें लिखा कि सभी बच्चे अपने घर चले गए हैं। फिलहाल देखिए ये DCP दक्षिण पश्चिम दिल्ली रोहित मीणा का ये बयान सामने आया, उनकी तरफ से ईमेल की जांच की जा रही है, ये बात कही गई। तो कंटेंट ईमेल मिला है, हमने सभी जगह चेकिंग कराई है, सभी बच्चे अपने घर चले गए हैं, सभी जगह पर तलाशी अभियान किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। लेकिन ये देखिए ये ईमेल आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो ईमेल सुबह सुबह स्कूल्स को भेजे गए हैं दहशत फैलाने की कोशिश दिल्ली एनसीआर के स्कूल्स में की गई है। देवनाथ उनके पेरेंट्स या गार्जियंस के पास पहुंचा दिया जाए। एज वी स्पीक इन्फॉर्मेशन इज स्टिल कमिंग फ्रॉम अदर स्कूल्स ऑल्सो। जैसे जैसे स्कूल्स अपने इनबॉक्सेस चेक कर रहे हैं तो पता चल रहा है। मेरी पेरेंट्स से यही दरख्वास्त है कि प्लीज पैनिक मत कीजिए। सो फार जितना हमें समझ आया है कंटेंट ऑफ द ईमेल्स इज द सेम एंड इट इज लाइकली दैट द सोर्स इज ऑल्सो द सेम। इस पे अभी आगे कार्रवाई चल रही है। अभी एज ऑफ नाउ 10 आर कंफर्म, लगभग स्कूलों को ईमेल भेजा गया। देखिए मैं सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट का बता सकती हूँ, पूरी दिल्ली का कमेंट कर पाना भी मुश्किल है। एज आई सेड सिचुएशन इज स्टिल डेवलपिंग। सो फार वी हैव नॉट फाउंड एनीथिंग विच मे बी अ कॉज ऑफ वरी फॉर अस।
बट एज आई सेड द सिचुएशन इज स्टिल डेवलपिंग, तो इस पे जैसे जैसे आगे कार्रवाई करेंगे इनकार भी नहीं कर सकते, इनकार भी नहीं कर सकते। इट डज अपियर लाइक अ मिस्चीवियस थिंग, बट इसको पूरी तरह से मिस्चीव वाला एंगल रूल आउट करने के लिए प्लीज गिव अस सम मोर टाइम, बट सो फार एज आई सेड देयर इज नथिंग व्हिच इज अ कॉज ऑफ वरी फॉर अस। कहां से ईमेल आई, क्या कुछ कंटेंट सेम है? देखिए वी आर स्टिल वेरीफाइंग दिस थिंग, सो गिव अस अ लिटिल मोर टाइम, वी विल वेरीफाई इट। मैम हो सकता है देश के बाहर से मेल भेजा गया हो, ये अभी कमेंट कर पाना मुश्किल है। अभी किस तरीके से अभी क्या कह सकते हैं, स्थिति क्या है अभी? सिचुएशन सो फार इज गुड, अब तक जितने भी स्कूल्स मैंने चेक किए हैं तो वहाँ पे इवैक्यूएशन काफी अच्छी तरीके से हो गया है। पेरेंट्स हैव आल्सो बीन वेरी कोऑपरेटिव इन दिस रिगार्ड। हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इंक्लूडिंग ट्रैफिक एंड ऑल आर ऑल्सो ऑन द ग्राउंड, तो वी आर मतलब हमारी पहली प्रायोरिटी यही है कि सिचुएशन ढंग से कंटेन हो जाए, बच्चे सही सलामत अपने पेरेंट्स या गार्जियंस के पास पहुंच जाएं, और बाकी हम जितने भी सेफ गार्ड्स ले सकते हैं वो हम ले रहे हैं। मैम जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे? देखिए मेरी पेरेंट्स के साथ यही दरख्वास्त है कि अगर आपको आपके कंसर्न वार्ड के स्कूल की तरफ से ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो प्लीज स्कूल अथॉरिटीज या उनके जो भी क्लास टीचर्स हैं उनको कांटेक्ट कीजिए, वो आपको आगे उचित इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर स्कूल्स अपने बसेस के थ्रू बच्चों को घर पहुंचा सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इफ इट इज एक्सपेक्टेड कि आप लोगों को स्कूल जाना है तो प्लीज आप स्कूल अथॉरिटीज से कोऑर्डिनेट करें। तो कब ये सूचना मिली मेल के बारे में, कब जानकारी मिली आपको? देखिए ये तो स्कूल्स जैसे जैसे अपना इनबॉक्स चेक कर रहे हैं तो उनके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है तो वो हमें बता रहे हैं, एज सच टाइम बता पाना तो मुश्किल है बिकॉज इट इज डिफरेंट टाइमिंग फॉर डिफरेंट स्कूल्स। चल रही है भी मैडम? चल रही है। देखिए देयर हमारे हमने अपने सारे रिसोर्सेज लगा रखे हैं, अभी फिलहाल लोकल पुलिस एंड ट्रैफिक ऑन द ग्राउंड है, इसके अलावा भी बहुत सारे यूनिट्स हैं, बॉम्ब स्क्वाड डेफिनेटली इज देयर, एक एक करके वो सारे स्कूल्स को कर रही है, एंड हमने जो प्रीलिमिनरी तौर पे स्कूल बिल्डिंग्स अब तक सारी सर्च की हैं, तो एज आई सेड देयर हैज नथिंग हैज बीन फाउंड व्हिच इज अ कॉज ऑफ वरी फॉर अस, तो आगे पर बीडीएस से हम प्रॉपर तरीके से अच्छी तरह जांच करा के सारे स्कूल्स को सेफ डिक्लेयर करवा देंगे। मैम अभी जांच चल रही है। हेलो जी देवनाथ बता रही थी कि हाँ एक सूरी सर आ चुकी है और आज देखिए सुरेंद्र जी डेवलप हो रही है, सर पहले नवाज नहीं आई कुछ काफी स्कूल्स हैं, आई विल नॉट डिनाई दैट, बट सो फार वी हैव नॉट फाउंड व्हिच मे बी अ कॉज ऑफ वरी फॉर अस। प्रीलिमिनरी तो देखिए वहीं जेबी सिंह फायर ब्रिगेड अधिकारी उनकी तरफ से भी ये बयान जो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, इससे पहले हमने आपको महिला अधिकारी का बयान सुनाया, उनकी तरफ से कहा गया कि जैसे जैसे स्कूल्स की तरफ से ईमेल चेक किया जा रहा है ये संख्या बढ़ती जा रही है और फिलहाल अलग अलग जगहों पर तलाशी अभियान स्कूल्स में चलाया जा रहा है, बच्चों को घर भेजने का काम किया जा रहा है। हमें मदर मैरी स्कूल मयूर विहार में बम के संबंध में एक कॉल मिली, जेबी सिंह फायर ब्रिगेड अधिकारी उनकी तरफ से कहा गया, उन्होंने कहा कि चेकिंग की गई लेकिन फिलहाल कुछ भी नहीं मिला। मेरे दो सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, देवनाथ हमारे साथ हैं और रमेश हमारे साथ हैं। देवनाथ मैं आपके पास आऊंगी, देखिए जिस तरह से ये ईमेल भेजा गया और ये ईमेल हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं जिसमें जिहाद शब्द का जिक्र किया गया है, क्या समझे इस ईमेल के जरिए? देखिए इस ईमेल के जरिए बात समझने पड़ेगा कि जो दहशत का माहौल कायम करने की कोशिश हुई है और जिहाद एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में दहशत पैदा कर देता है। और जब हमने पूछा था अधिकारी से जो बता भी रही थी कि ये जो पूरे दिल्ली का तो नहीं आंकड़ा पता लेकिन हाँ। जो जिन जो पूर्वी दिल्ली के स्कूल के उसके बारे में बता रही थी, ये भी बता रही थी कि दिल्ली पुलिस लगातार जांच कर रही है, साइबर सेल जो है जांच कर रहा था और अभी तमाम सारी जांच चल रही है, अभी कुछ कहना मुश्किल है लेकिन हाँ इतना जरूर है कि सिचुएशन पैनिक नहीं है, सब चीजें जांच चल रही है, प्रॉपर जांच चल रही है। एक और खास बात है कि जिस तरीके के पैटर्न का इस्तेमाल हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 50 से अधिक स्कूलों को मेल के बारे में, चुनाव का मौसम है 2024 का, चुनावी समर अपने चरम पर है, दिल्ली में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के कैंडिडेट जो है अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं, उस बीच एक खबर आना लगातार 50 स्कूलों को, एक दो नहीं एक दर्जन नहीं लगभग 50 स्कूलों को जो मेल गया है उससे साफ जाहिर है कि जिस तरीके के दहशत का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है वो आप ही बताइए सर कि क्या ये कोई ऐसी चीज है जिससे लोग दहशत जानबूझ के फैलाना चाह रहे हैं?
सर ये दहशत फैलाने का ही काम है कि मतलब अभी 50 स्कूलों को मैसेज भेजा गया, दो दिन पहले एक हॉस्पिटल को मैसेज भेजा गया और बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। मेनली स्कूल में बच्चे बिल्कुल देखिए हम देख सकते हैं देवनाथ की किस तरह से जो अभिभावक है वो डरे हुए हैं। रमेश मैं आपका रुख करूंगी, देखिए देवनाथ ने भी जिक्र किया जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे कि देखिए चुनावी माहौल है, पैनिक फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस ईमेल का क्या हम मतलब समझे जिसमें दिल में जिहाद की आग का जिक्र हो रहा है। देखिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि स्कूलों की संख्या बढ़ गई है। अब तक 100 स्कूलों में मेल भेजा जो है जो सुबह 6 बजे भेजा गया था वो मेल 100 स्कूलों में जब लोगों ने चेक किया तो अब तक 100 की संख्या आ चुकी है कि 100 स्कूलों में मेल वो भेजा गया था जो कि स्कूल को बम से उड़ाने की बात कही जा रही है, जिहाद की बात कही जा रही है और उसकी के नाते जो उसका फॉलो अप था जिस तरीके से बच्चों को एक फील्ड में इकट्ठा किया ग्राउंड में, उसके बाद जो बसें थी वैन थी उनके माध्यम से उनको घर भेजा गया, जो बच्चे गार्जियन के साथ आते थे उनके गार्जियन को फोन करके इन्फॉर्म किया गया, तो वो सारी प्रोसेस अपनाई गई जो कि बम होने की सूचना के बाद एक प्रोसेस है उस प्रोसेस को अपनाया। उसके बाद बम निरोधक दस्ते ने पूरे विद्यालय कहा, इस समय हम संस्कृत स्कूल में है, कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं, ये पूरा जो इलाका है ये चाणक्यपुरी का इलाका है और दिल्ली का सबसे वीवीआईपी इलाका है, पूरे विश्व के जो दूतावास हैं जो एम्बेसडर रहते हैं राजदूत रहते हैं वो इसी इलाके में रहते हैं और इस सबसे बड़ी बात कि दिल्ली के जितने वीवीआईपी हैं उनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखें कि जितनी तेजी से खुद डीसीपी यहाँ पे थे, डीसीपी यहाँ पे रहे और बिल्कुल रमेश हम देख सकते हैं कि वहां पर सिचुएशन आपने जिस तरह से जिक्र किया कि अंडर कंट्रोल वहां पर नजर आ रही है, देवनाथ के जो लोकेशन है वहां पर काफी हलचल तेज नजर आ रही है। देवनाथ में आपका रुख करूंगी। देखिए दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, अब तक के अगर सुबह से लेकर अब तक के घटनाक्रम पर नजर डालें तो दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो जितने स्कूलों की जांच दिल्ली पुलिस ने की है उसमें कुछ भी अभी तक संदिग्ध नहीं मिला है, यानी जो पुलिसिया जांच है जिसमें सीसीटीवी जांच हो रहा है और इसके अलावा चप्पे चप्पे पर जांच हो रही है, क्लासरूम की जांच हो रही है, गार्ड रूम की जांच हो रही है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, इसके बावजूद अभी तक जितने भी स्कूलों की दिल्ली पुलिस ने जांच की है उसमें कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले पर गृह मंत्रालय की पैनी नजर है, यानी गृह मंत्रालय इसकी निगरानी कर रहा है और देख रहा है कि क्या इसमें कोई ऐसी जानकारी मिल रही है कि नहीं, इस पर मतलब दिल्ली पुलिस के संपर्क में गृह मंत्रालय है। तमाम जगहों पर पुलिस अधिकारी आ रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं और मीडिया कर्मी उनको घेर लेते हैं, सवाल करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि ये 50 से अधिक मेल भेजने वाला कौन है, इसमें किस तरीके की तकनीक का इस्तेमाल किया गया, साइबर जो सेल है दिल्ली पुलिस की वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है और इसका पता भी लगा लिया जाएगा, साइबर सेल की तरफ से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। बहुत शुक्रिया देवनाथ और रमेश आपका तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए।